अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बेसन के लड्डू। चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे बूरा। उसके लिए हमने लिया है 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे लो मीडियम हीट पे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब चीनी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी और उसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए तो इसके नीचे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये इस तरह चीनी बारीक चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बूरा तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बेसन का मिक्सचर। उसके लिए हमने लिया है 1 कप घी और उसमें हम ऐड कर देंगे 3 कप बेसन और उसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि बेसन और घी एक साथ मिल जाए। तकरीबन हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो मीडियम हीट पे। उसके बाद हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी और इसमें हम चम्मच हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी। हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब बेसन का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे अलग बाउल में डिश आउट कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद बेसन का मिक्सचर इस तरह पतला हो जाएगा और अब हम इसमें ऐड करेंगे बूरा और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें लड्डू का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू को हाथ से ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना वो टूट जाते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसे के बॉल्स बनाएं। ये देखिए सारे लड्डू बन गए हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।